बौद्ध दर्शन पारक दर्शन में क्या दूरी है और क्या समानता है। बौद्ध दर्शन में जो चार आर्य सत्य माने गए हैं, पारक सिद्धांत उसको स्वीकार करता है। दुख आर्य सत्य, दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य सत्य। दुख है ये सबका अनुभव है, इसे कोई इनकार कैसे कर सकता है। दुख की निवृत्ति होती है यह भी अनुभव है सबका। तो चार आर्य सत्य सभी को मान्य है, इसको पारक सिद्धांत स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन में जो माना गया है कि जगत अनादि और अनंत है, इसको भी पारक सिद्धांत स्वीकार करता है। पारक सिद्धांत भी मानता है कि जगत अनादि अनंत है, क्योंकि द्रव्य नित्य है, तो नित्य द्रव्यों से संसार की सत्ता भी नित्य है। बौद्ध दर्शन सृष्टि रचयिता क्रम फल भोग देने वाला ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। पारक सिद्धांत इसको भी मानता है, पारक सिद्धांत भी मानता है सृष्टि बनाने वाला कोई कर्ता नहीं है, कोई सृष्टा नहीं है, और कर्म फल भोग देने वाला भी कोई ईश्वर नहीं है। कर्म फल तो नियमानुसार अपने आप होता है, तो अकर्तावाद इसको पारक सिद्धांत स्वीकार करता है। बौद्ध दर्शन में किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण नहीं माना गया है, किंतु विवेक को प्रमाण माना गया है। पारक सिद्धांत इसको भी स्वीकार करता है। पारक सिद्धांत कहता है कि कोई पुस्तक नाम कुछ भी ले लें, स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता। देश काल परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुस्तकें बनती हैं, उनमें कुछ बातें शाश्वत होती हैं, कुछ तात्कालिक होती हैं। तो शाश्वत बातें तो किसी पुस्तक में लिखी हो वो मान्य है, जो तात्कालिक बातें हैं, कुछ रीति रिवाज की बातें हैं, कुछ मान्यताएं की बातें हैं, वो सब के सब स्वीकार कैसे की जा सकती हैं। इसलिए आँख मूंद कर न किसी पुस्तक के विचार ज्यों के त्यों माने जा सकते हैं, आँख मूंद कर न किसी परंपरा के विचार ज्यों के त्यों माने जा सकते हैं, और न आँख मूंद कर किसी व्यक्ति के विचार ज्यों के त्यों माने जा सकते हैं, किंतु जो विवेक युक्त है, तर्क युक्त है, वह विचार कोई कहता हो, कहीं लिखा हो, माननीय है। तो स्वतः प्रमाणवाद बौद्ध दर्शन इसका पक्षधर नहीं है, और पारक सिद्धांत भी इसका पक्षधर नहीं है। बौद्ध दर्शन में जातिवाद नहीं है, किंतु मानवतावाद है। जन्म से कोई मनुष्य बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है या कर्म से छोटा होता है। पारक सिद्धांत इसको भी स्वीकार करता है। जो दूरी है वह भी स्पष्ट ही है। बौद्ध दर्शन ये कहता है सब कुछ क्षणिक है, उत्पन्न होते ही वस्तु नष्ट हो जाती है अपनी किसी संतान को जन्म देकर।
जिस क्षण वस्तु उत्पन्न हुई और उत्पन्न होते ही अपनी संतान को जन्म दी और नष्ट हो गई, ये क्षणिकवाद, ये हम कह सकते हैं कि वस्तु बदल रही है, लेकिन वस्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है, इसको पारसिद्धांत स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यह हुआ है, जिस सिद्धार्थ ने घर छोड़ा वह सिद्धार्थ दूसरा है, जिसने निरंजना नदी के तट पर तपस्या किया वो हजारों सिद्धार्थ बदल गए तब तक, वो दूसरा है। बौद्ध गया में बोध वृक्ष के नीचे जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो दूसरा है। और जिन्होंने धर्म प्रचार किया वो दूसरा है, क्योंकि सब कुछ क्षण क्षण बदल रहा है, एक एक क्षण क्षण बदल रहा है। और घर छोड़ने के बाद लेकर के बुद्धत्व की प्राप्ति तक लाखों लाखों सिद्धार्थ बदल गए हैं। सिद्धार्थ क्या, सिद्धार्थ तो खत्म हो गया घर छोड़ते ही, दूसरा व्यक्ति आ गया है। इसको तो बौद्ध दार्शनिक भी स्वीकार कहां करेंगे, सब कुछ क्षणिक है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि जिस सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था, 6 वर्ष के पश्चात उसको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष में तो करोड़ों सिद्धार्थ चले गए, तो जिन्होंने घर छोड़ा वो दूसरा और जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई वो दूसरा, और कुशी नारा में जिनका निर्वाण हुआ वो दूसरा। तो ये मानना कि वस्तु उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती है और दूसरी संतान को जन्म देती हो तो विलुप्त तो हो गया, इससे भी तारतम्य नहीं बैठता है। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा भी क्षणिक है। तो इसे यदि हम ऐसा माने कर्म का करने वाला, तो जगत की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। कर्म करने वाला की स्थायी सत्ता ना हो तो कर्म फल भोग किसको होगा। इसके अनुसार से तो कर्म की दूसरा करता है, फल भोग किसी दूसरे को होता है। बौद्ध दर्शन कर्म फल मानता है, पुनर्जन्म मानता है, निर्वाण मानता है। निर्वाण किसका, कर्म फल भोग किसको, पुनर्जन्म किसका, सब कुछ क्षणिक है, वो तो क्षण क्षण बदल रहा है। इसीलिए प्रसिद्ध जैन दार्शनिक हेमचंद्र ने स्यादवाद मंजरी में इसका खूब खुल करके खंडन किया है, और उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृत प्रनाश अकृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष स्मृति भंग दोषान उपेक्षा साक्षात क्षण भंगमिक्षण अहो महासाहसिक परो अशव। आप इस श्लोक को कबीर दर्शन के तीसरे अध्याय के सातवें संदर्भ में देख सकते हैं। जड़ से सर्वथा भिन्न चेतन अस्तित्व में ये श्लोक व्याख्या सहित उद्धृत है। कृत प्रनाश, कृत प्रनाश का अर्थ होता है किए हुए का नाश। जैसे रमेश ने किसी की हत्या की और हत्या करते ही रमेश नष्ट हो गया, तो हत्या करने का फल रमेश को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो हत्या किया और नष्ट हो गया, क्षणिक है वो। तो इस अनुसार से तो जो व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करने के साथ ही वो नष्ट हो जाता है, उसको कर्म का फल भोग नहीं मिलेगा, यह है कृत प्रनाश। अकृत कर्म भोग, नहीं किए हुए का फल भोग मिलना। रमेश ने तो कर्म किया, हत्या की, हत्या करने के साथ ही वो मर गया, अब फांसी हो रही है महेश की, उन्होंने कर्म किया ही नहीं है। तो ये तो फिर
महाअन्याय है जिन्होंने कर्म किया वो तो बच गया, नष्ट हो गया, अब फांसी हो रही है दूसरे की, जो जानता भी नहीं है बेचारा, उसकी फांसी हो रही है। तो अकृत कर्म भोग, नहीं किए हुए कर्मों का फल भोग होता है। भवभंग, भव पुनर्जन्म, पुनर्जन्म किसका होता है? जैसा कहा जाता है कि जैसा आदमी कर्म करता है, जैसा उसके कर्मों के संस्कार होते हैं, उसके अनुसार से ही आदमी को पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। लेकिन संस्कार का धारण करने वाला तो कोई है ही नहीं। संस्कार कैसे बनते हैं? जो हम कर्म करते हैं उसकी छाप टिकती, उसकी वासना टिकती है, वही संस्कार है। अब कर्म करने वाला तो नष्ट हो गया, तो उन संस्कारों का धारक कौन है जिसका पुनर्जन्म होगा? तो इस मान्यता से तो पुनर्जन्म का भी खंडन होता है, और बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म मानता है। कर्म करने वाला नष्ट हो गया, अब कर्म संस्कार अनुसार फल भोग जो होगा, पुनर्जन्म होगा, वो किसको? तो भवभंग भी होता है, परमोक्ष मोक्ष का भी भंग होता है, निर्वाण। निर्वाण के लिए साधना कौन कर रहा है? निर्वाण किसका हुआ? क्षणिक है, स्थाई आत्मा तो है नहीं जिसका मोक्ष होगा, वो तो क्षणिक है। तो निर्वाण किसका होगा? जिन्होंने साधना किया वो दूसरा, निर्वाण होगा दूसरे का। और फिर कोई चीज है ही नहीं स्थाई क्षणिक, तो क्षणिक में निर्वाण, क्षणिक में तो हर वस्तु क्षण क्षण नष्ट हो रही है, तो निर्वाण किसका होगा? तो मोक्ष का भी खंडन होता है। और स्मृति भंग, स्मृति का भंग होता है। स्मृति किसकी होती है? पूर्व में जो घटना घट चुकी है, हमने जो कर्म किया, या दूसरी घटना हम देखते हैं, किसी को कर्म करते हुए देखते हैं, कोई चीज़ बदलते हुए देखते हैं, कोई चीज़ नष्ट होते हुए देखते हैं, किस चीज़ को बनते हुए देखते हैं, कालांतर में उनकी याद होना यही है स्मृति। स्मृति होगी नहीं, क्योंकि देखने वाला दूसरा, जिसने देखा, देखने के साथ ही वो नष्ट हो गया। अब या आज हम 4 साल बाद याद कर रहे हैं, कौन याद कर रहा है? देखने वाला तो, इसका मतलब तो यह है, देखा है श्यामलाल ने, याद कर रहा है रामलाल, और कह रहा है गौतम लाल। क्योंकि याद करने वाला तो नष्ट हो गया ना, जैसे देखा देखा वो नष्ट हो गया, और 4 साल बाद याद कर रहा है, कौन याद कर रहा है? जब तक स्थाई धारक ना हो उन घटनाओं का, उन संस्कारों का, तब तक याद कौन करेगा? इसलिए स्मृति भंग भी होता है क्षणिकवाद में, आत्मा की साई सत्ता ना मानने पर। हेमचंद्र कहते हैं, इतने दोष होने पर भी जो ये कहता है कि आत्मा की स्थायी सत्ता नहीं, सब कुछ क्षणिक है, वो तो महासाहसिक व्यक्ति, महान साहस वाला आदमी है। सीधी सीधी बात है, महान दुस्साहसी का आदमी है। इसी पर ही न्याय दर्शन में एक दार्शनिक हुए हैं, जयंत भट्ट। जयंत भट्ट प्रसिद्ध दार्शनिक है न्याय दर्शन का। उन्होंने भी इस पर व्यंग करते हुए कहा है, नास्तात्मा फलभोग मात्र मत च स्वर्गाय चार्चनम संस्कार क्षणिका युग स्थिति भृतश्चैत विहारा कृत शर्व शून्यमिदम वसूनी गुरुवे देहेति चादिश्यते बौद्धानाम चरितम किमन्न दीयति दंभस्य भूमि परा। नास्तात्मा कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन स्वर्ग पाने के लिए चैत्य की पूजा कर रहे हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए पूजा कर रहे हैं। कहते हैं आत्मा है ये नहीं है, तो मरने के बाद स्वर्ग में कौन जाएगा? आत्मा तो है ही नहीं, वो तो मर गया।
तो फिर स्वर्ग में जाकर के सुख सुख का फल कौन भोगेगा? और फिर भी ये बौद्ध लोग चैत्य की बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, आत्मा नहीं है लेकिन पूजा करके स्वर्ग का सुख चाहते हैं। संस्कार क्षणिक है, हर चीज क्षणिक है। बताओ जब संस्कार क्षणिक है तो बहुत मजबूती से आश्रम क्यों बना रहे हो कि आश्रम वर्षों वर्षों टिकेगा, इस आश्रम में रहकर हम सुखपूर्वक विहार करेंगे। सब कुछ क्षणिक है तो इतने मजबूत विहार बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसके लिए बना रहे हो विहार? स्थायी तो है ही नहीं कोई आदमी। जब सब कुछ क्षणिक है तब गुरु को, बौद्ध संतों को और आश्रमों को दान करने की बात कहां से आ गई? भाई आश्रमों को दान करो ताकि वहां रहने वाले संतों की सेवा हो। आश्रम विहार भी क्षणिक है, रहने वाले संत भी क्षणिक है, तुम दान करो हो दान भी क्षणिक है। किसके लिए कहते हो कि दान करना चाहिए? जैन भट्ट कहते हैं इस प्रकार उपदेश कुछ और विहार कुछ और। तो उपदेश और विहार में महान अंतर को देखते हुए ये कहना पड़ता है कि ये बौद्ध लोग महादंभी होते हैं, ये जैन भट्ट न्यायदार्शनिक ने कहा है। तो खास बात यह है जब सब कुछ क्षणिक है तो स्थायी आत्मा भी नहीं बनेगा, कर्मफल भोग भी नहीं बनेगा, स्मृति भी नहीं बनना है, निर्वाण भी नहीं बनना है। और पार सिद्धांत इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। कहा जाए कि विज्ञान का प्रवाह है तो विज्ञान का प्रवाह, विज्ञान क्या चीज है? वासनाओं का पुंज जो जन्म मरण का कारण होता है वो कहाँ टिकता है, किसके आधार पर चलता है? वह ये कहते बनेगा नहीं। विज्ञानवाद में यह माना गया है कि बाहरी जगत की सत्ता नहीं है, लेकिन क्या हम बाहरी जगत की सत्ता का अपलाप कर सकते हैं? बाहरी जगत की सत्ता नहीं है तो किसके कल्याण के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं? विज्ञानवादी कहता है ना कि सत्ता केवल चित्त की है, बाहरी जगत की सत्ता नहीं है। तो बाहर जगत सत्ता नहीं है तो किसके कल्याण के लिए धर्म का प्रचार? इसका मतलब तो यह है कि हम मुख से कह रहे हैं कि बाहर जगत सत्ता नहीं है और अंदर से मार रहे हैं कि जगत की सत्ता है, तभी तो प्रचार कर रहे हैं, तभी तो ग्रंथ लिख रहे हैं। ये कहा जाए कि बाह्य पदार्थ तो विज्ञान विज्ञानात्मक होने पर बाहर की भांति प्रतीत होता है, वो संकल्प ढंग का होता है, उसकी प्रतीति होती है। तो ये बताओ प्रतीति और सादृश्यता जब तक दो न हो तब तक कैसे होगी? मेरे मन में संकल्प उठा कि पर्वत को ऐसा होना चाहिए। अब बाहर जब मैं पर्वत देखूंगा तब तो मैं कहूंगा कि हाँ ऐसे मैंने सोचा था, अब ये पर्वत जैसे दिखाई पड़ रहा है तो हाँ ये पर्वत सही है। बाहर में तो पर्वत है ही नहीं, तो मेरे संकल्प की सादृश्यता किसके साथ बनेगी? इसलिए बाहर जगह सत्ता ये कहना कि वो मन से खड़ा होता है ये कहना उपयुक्त नहीं है। बाहर जगत सत्ता है, ये जगत हमारे चित्त के आधार पर खड़ा नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि हमें फूल लाल दिखता है, तो विज्ञानवाद में कहा गया कि फूल लाल इसलिए दिखता है कि चित्त ने उसका आकार ग्रहण कर लिया, इसलिए फूल बार बार लाल दिख रहा है। जब भी देखते हैं फूल को तब लाल दिखता है क्योंकि चित्त ने आकार ग्रहण किया है। ठीक है, चलो आपकी बात सही है। तो इससे तो यह हुआ
कि फूल देख करके ही चित्त ने आकार ग्रहण किया है, ये बताइए। दिखाना लाल चित्त का लाल फूल का आकार चित्त ने पहले धारण किया कि फूल को देख करके चित्त ने आकार ग्रहण किया? दो प्रश्न है। फूल को देखने के बाद यदि आकार ग्रहण करता है, इसका मतलब यह है कि फूल सत्ता पहले है, तब हमारे चित्त ने आकार ग्रहण किया है। या तो फिर मानना पड़ेगा, यदि भारत जगत सत्ता नहीं है तो चित्त ने पहले आकार ग्रहण किया तब फूल खिल गया, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। पहले फूल को चित्त ने देखा तब उसका आकार ग्रहण किया, बिना देखे आकार ग्रहण कैसे होगा? और दूसरी बात, चित्त ने फूल का आकार ग्रहण किया तो अब बाहर जो फूल दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब तो यह है फूल को हम मसल करके फेंक दें तो भी फूल हमें लाल दिखाई पड़ना चाहिए। नष्ट होने के बाद चूंकि चित्त ने आकार ग्रहण कर लिया है, वो फूल नष्ट भी हो जाएगा तो भी उसे आकार हमें दिखाई पड़ना चाहिए, तब हम मान लेंगे कि हाँ सत्ता जगत बाहर की नहीं है, सत्ता चित्त की है। लेकिन फूल जब मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, तब तो लाल दिखाई पड़ता नहीं है, उसका आकार बदल गया, रंग भी बदल गया, तब कैसे मैं कहें कि सत्ता चित्त की है, बाहर जगह सत्ता नहीं है? इसलिए भले कोई कहे कि बाहर जगह सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता बाहर है, इसलिए विज्ञानवाद का ये कहना बिल्कुल गलत है कि सत्ता बाहर नहीं है। रही बात शून्य की, शून्य माद में माना गया न तो बाहरी जगत है और न ही चित्त है, सब कुछ शून्य है। तो बताएं सब कुछ शून्य है ये कहने वाला कौन है? ये कहने वाला भी शून्य होगा, सब कुछ शून्य है तो कहने वाला शून्य है या नहीं है? तो कहने वाला भी तो शून्य होगा, शून्य का ज्ञान करने वाला भी शून्य होगा, जिसको बता रहा है वो भी शून्य होगा। शून्य ज्ञान कर रहा है, शून्य देख रहा है, शून्य कह रहा है, कि ये तो पागलपन की बात होगी। फिर सब कुछ शून्य है किसके सामने कह रहा है? किसी को तो मान रहा है कि हाँ ये व्यक्ति सही है, यथार्थ है, तब तो बता रहा है सब कुछ शून्य है। और जो मान रहा है वो भी तो होगा कि हाँ मैं शून्य को जान रहा हूं, कि जानने वाला भी शून्य हो गया। इसके अनुसार तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे सब कल्पित हो गया। शून्य का ज्ञान किसको हुआ? निर्वाण किसको मिलेगा? सब कुछ शून्य है, निर्वाण भी शून्य होगा, निर्वाण की साधना करने वाला भी शून्य है, कहने वाला भी शून्य है, तो इसमें भी जगत सत्ता बनती नहीं है। मैं कह रहा हूं तो मैं अपने को शून्य नहीं मानता, मेरी सत्ता मान रहा हूं, यह भी मान रहा हूं कि आप लोग बैठे हुए हैं तब कह रहा हूं, तो सब कुछ शून्य है भले हम कह दें, अनुभव में यह आता नहीं है। पर सिद्धांत इसको भी स्वीकार नहीं करता, पर सिद्धांत जड़ और चेतन दोनों को स्वीकार करता है, दोनों को मानता है, जड़ भी सही है और चेतन भी सत्य है। वस्तुतः न तो यह जगत मन से कल्पित है और न ही यह जगत अनुमेय है, अनुमान के आधार पर खड़ा है। वस्तुतः हमारे ज्ञान से बाहर जगत की यथार्थ सत्ता है, हम ज्ञान करें तो भी जगत रहेगा, न भी ज्ञान करें तो भी जगत रहेगा, हम आंख मूंद लें तो भी जगत रहेगा, आंख खोलें तो भी जगत रहेगा, हम ये मान लें संसार नष्ट हो गया तो भी संसार नष्ट होने वाला नहीं है, वो तो अपनी जगह पर रहेगा। इसलिए सीधी सी बात यह है कि बाहरी जगत यथार्थ सत्ता है, उसका रूप बदल रहा है, यह हम कह सकते हैं, लेकिन इस जगत है ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार कर्मफल भोग जिसे मिलता है, पुनर्जन्म जिसका होता है, निर्वाण के लिए साधना जो कर रहा है, वह चेतन भी यथार्थ सत्ता है, पर सिद्धांत उसको स्थायी आत्मा मानता है और बौद्ध दर्शन इसको स्थायी सत्ता नहीं मानता। भदंत आनंद कौशल्यायन बौद्ध दर्शन के महान पंडित
बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने एक जगह लिखा है, जिस क्षण आदमी ये मान ले कि आत्मा नाम की कोई साई सत्ता नहीं होती, उसी क्षण उसका निर्वाण हो जाएगा। उन्होंने इस पर शब्दों में लिखा है, ये दृढ़ निश्चय कर लो कि आत्मा नाम की साई सत्ता नहीं, बस उसी क्षण आपका निर्वाण। ये निश्चय करने वाला कौन है? क्षणिक विज्ञान शून्य निश्चय कर रहा है, तो ये निश्चय करने वाला भी तो कोई होगा कि जो निश्चय कर रहा है कि आत्मा नाम की चीज नहीं है। एक बौद्ध विद्वान ने लिखा है कि लोग कहते हैं, बहुत दिन से सुनते आ रहा हूं, कि शरीर के भीतर एक आत्मा है जो स्थायी द्रव्य है, जिसे चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं। तो बचपन से मैं ये सुनते आ रहा था, तो सोचा कि खोजो तो जरा आत्मा कहाँ है। तो एड़ी से चूंटी तक, नस नस में, कण कण के शरीर के अंदर मैंने खोजा आत्मा को, लेकिन मुझे आत्मा कहीं मिला नहीं। तो मुझे लगा कि ये बकवास है, आत्मा जो कहते हैं शरीर के भीतर आत्मा है, भैया कैसे खोजे हो, कहाँ से घुसे शरीर के भीतर, तुम कौन जो खोज रहा था आत्मा को, वो कौन था, शरीर से अलग था कि शरीर में ही रहने वाला था, वो कहाँ से घुसा शरीर में, कहाँ पर खोजा वो। तो कहने का तो कुछ भी कहा जा सकता है, वो जो खोज रहा था आत्मा को कहाँ है, वही आत्मा है। तो यहां पर आकर के बौद्ध दर्शन में अपार दर्शन में विभेद हो जाता है। अब थोड़े से आप प्रश्न लिखें, दो तीन प्रश्न बस। जैन दर्शन कितने तत्व मानता है और कौन कौन से? अगला प्रश्न, स्यादवाद के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन मुख्य किस बात पर जोर देता है, किस प्रकार से और क्यों? अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के सत्ता संबंधी क्या विचार है? एक प्रश्न और नोट करें, पारक सिद्धांत बौद्ध दर्शन के किन विचारों को नहीं मानता और क्यों नहीं मानता?